झारखंड में नेता प्रतिपक्ष कौन होगा? बाबूलाल मरांडी के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद सियासी गलियारों में ये चर्चा है। हालांकि पार्टी ने अब तक बाबूलाल मरांडी को विधायक दल के नेता पद से नहीं हटाया है, लेकिन विपक्ष एक बार फिर सीपी सिंह को नेता प्रतिपक्ष बनाने का सुझाव दे रहा है। दीपक प्रकाश की जगह बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी को मिल गई है। बाबूलाल मरांडी राज्य के पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वर्तमान में वे बीजेपी विधायक दल के नेता भी हैं। अब सवाल उठ रहा है कि बाबूलाल मरांडी की जगह किसी अन्य विधायक को विधायक दल का नेता बनाया जाएगा। वैसे यह तय करना बीजेपी की केंद्रीय इकाई का काम है। बीजेपी के संगठन के पदाधिकारी क्या कहते हैं, जानिए। बाबूलाल जी की क्षमता ऐसी है कि वो एक साथ दोनों दायित्वों का भी निर्वहन कर सकते हैं। बाकी केंद्रीय नेतृत्व जो निर्णय लेगा उसके अनुरूप आगे चीजें तय होंगी। अभी तो वो हमारे विधायक दल के नेता हैं और प्रदेश के अध्यक्ष भी। यह ठीक है कि बीजेपी का अधिकांश निर्णय केंद्र के इशारों पर होता है। बीजेपी विधायक दल के नेता कौन होंगे, होंगे भी या नहीं, यह सारी बातें भविष्य के गर्भ में है। सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा विधानसभा की ओर से दिया जाता है। अगर कोई नया चेहरा बीजेपी विधायक दल का नेता होता है तो वह नेता प्रतिपक्ष का दर्जा पाएगा। जेएमएम की ओर से बीजेपी को सुझाव दिया गया कि सीपी सिंह को विधायक दल का नेता बना दिया जाए। लोग खाली है, हमको लगता है कि इसमें सलाह यदि लोग लेंगे तो आदरणीय सीपी सिंह जी को, क्योंकि 6 टर्म के विधायक है, विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, राज्य के काबीना मंत्री रहे हैं, एक लंबा उनको संसदीय अनुभव है, तो उन्हीं को विधायक दल का नेता बना। जेएमएम का सुझाव आया है। वैसे सीपी सिंह काफी वरिष्ठ विधायक हैं, वे लगातार 6 बार से विधायक रहे हैं, इसलिए उनका दावा बनता है, पर सीपी सिंह इसे रांची से ऊपर का मामला मानते हैं। मैं समझ गया, ये चिंता हमारा केंद्रीय नेतृत्व करता है, प्रदेश नेतृत्व करता है, और ये चिंता करने का दायित्व उनका है। वो भार हम आप क्यों ले, तय करेंगे, समुचित समय पर करेंगे, समुचित व्यक्ति को करेंगे, ये निर्णय करना उनका दायित्व है ना। अब उनका जो दायित्व है, उनका जो अधिकार है, उस अधिकार को आप और हम क्यों लेना चाहते हैं भाई। अब देखना होगा कि बीजेपी आलाकमान विधायक दल के नेता के बारे में क्या सोचता है। वैसे यह भी हो सकता है कि दोनों पद बाबूलाल मरांडी के पास ही रह जाए। कैमरामैन गुड्डू के साथ राजेश कुमार, न्यूज 11 भारत, रांची। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं जुड़े सहयोगी राजेश हमारे साथ। राजेश, एक बार फिर से सियासी गलियारों में चर्चा हो गई है कि अब नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल को बनाए जाने के बाद एक बार फिर से यह चर्चा हो रही है, क्योंकि बीजेपी की नीति भी रही है कि एक साथ दो जगहों का निर्वहन नहीं करती है बीजेपी। अब एक बार फिर से चर्चा है कि आखिर नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। देखिए, नेता प्रतिपक्ष कौन होगा ये तो विधानसभा का मसला है, लेकिन सबसे पहले तो ये तय करना होगा कि बीजेपी विधायक दल का नेता कौन होगा। और यह ऐसी परंपरा है, बीजेपी में एक व्यवस्था है कि एक व्यक्ति एक पद की परंपरा रही है, लेकिन अब ये परंपरा फिलहाल निभाई जाती है या नहीं, ऐसे भी कई दृष्टांत है पूरे देश में कि दो पद भी रहे हैं किसी एक व्यक्ति के पास। तो जैसा कि बीजेपी के नेताओं से बातचीत हुई है तो उनसे उनका कहना है कि फिलहाल तो यही स्थिति है कि दोनों पद पर बाबूलाल मरांडी हैं। देखिए, मानसून सत्र शुरू होने वाला है, मुझे लगता है 28 जुलाई से मानसून सत्र संभावित है, और अगर इस बीच पार्टी की केंद्रीय इकाई, देखिए बीजेपी में सारा कुछ जो है ऊपर से होता है, यानी केंद्र से होता है, केंद्रीय इकाई के द्वारा सब कुछ तय किया जाता है। आपने देखा कि बाबूलाल मरांडी को अध्यक्ष बनाया गया, अभी फिलहाल वही बीजेपी विधायक दल के नेता हैं, दोनों पद होल्ड कर रहे हैं, लेकिन अगर पार्टी को लगेगा कि नहीं एक अलग से विधायक दल का नेता हो तो फिर इस पर निर्णय होगा, विधायकों की बैठक बुलाकर फिर सर्वसम्मति से प्रयास होगा कि कौन उनका नेता होगा। तो इसमें जो परंपरा है और जो
अभी वास्तविकता है, इसमें देखा जाएगा कि क्या पार्टी करती है, चूंकि समय कम है। अभी थोड़ी देर पहले हमारी बाबूलाल मरांडी जो गुवाहाटी गए हुए थे, उनसे बात हुई एयरपोर्ट पे, तो उनसे मैंने पूछा भी तो कि क्या होगा संगठन का, कमेटी कैसे बनेगी, कब तक बनेगी। जो ऊपर से निर्देश दिया गया है कि एक माह के अंदर कमेटी बना देनी है, क्योंकि बहुत समय नहीं है कि कमेटी फिर बनेगी, फिर वह उसे समय मिलना चाहिए काम करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, हमें इंतज़ार ही करना होगा कि बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वह क्या निर्णय लेता है। जैसी कि चर्चा है जो राजनीति क्षेत्र में विपक्ष के जो इनके विरोधी है, जो झारखंड में सत्ता पक्ष में है, कल सुप्रियो भट्टाचार्य जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं, वो एक बार फिर कहे, पहले भी कहते रहे हैं कि जो वरिष्ठ विधायक है सीपी सिंह, उन्हें विधायक दल का नेता चुन लिया जाना चाहिए, क्योंकि छठी बार वो विधायक है और सबसे सीनियर मोस्ट है, अनुभवी भी हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। राजेश, जरा रोकना चाहेंगे आपको यहाँ पर, फिलहाल यहाँ पर हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। सहयोगी राजेश हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश, विधायक दल का नेता फिलहाल बाबूलाल मरांडी है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी बाबूलाल मरांडी है, फैसला केंद्र को लेना है कि क्या दोनों पद को ये देखेंगे या फिर कोई और नाम सामने आएगा। हालांकि जेएमएम की बात करें तो उन्होंने भी एक सुझाव दिया है सीपी सिंह के नाम का, और जैसे सीपी सिंह ने कहा उनकी बातों से ऐसा लगता है कि अगर केंद्र सीपी सिंह को आगे करती है तो वो इसके लिए तैयार है। देखिए, कोई भी दायित्व मिलता है तो वो पार्टी के नेता इतने ओबेडियंट हैं इसमें, वो उस भूमिका को निभाने के लिए तैयार रहते हैं। आप देखें कि दीपक प्रकाश की जगह पे बाबूलाल मरांडी को अध्यक्ष बनाया गया, तो ये सर्वसम्मति से सभी लोगों ने स्वीकार किया। जबकि सामान्यतः पार्टी के संविधान में व्यवस्था है कि चुनाव कराया जाना, लेकिन अगर चुनाव की स्थिति तब बनती है जब कोई कंटेस्टेंट आ जाता है, यानी कोई अलग से भी दावेदारी करता है। झारखंड बने हुए 22-23 साल हो गए हैं, इसमें एक बार सिर्फ चुनाव की नौबत आई थी, बाकी हर बार जो केंद्रीय नेतृत्व जो है वह प्रदेश इकाई के लोगों के प्रमुख नेताओं की भावना के अनुरूप निर्णय ले लेता है। अब रहा कि विधायक दल के नेता कौन बनेंगे, यह भी केंद्र को ही तय करना है। लेकिन एक सवाल यह है कि अगर विधायक दल के नेता कोई अलग चुन लिए जाते हैं तो एक रास्ता बड़ा साफ हो जाएगा, वह यह कि नेता प्रतिपक्ष वही व्यक्ति बनेगा। और कुछ एक जो संवैधानिक संस्थाओं के पद रिक्त हैं, जिसमें नेता प्रतिपक्ष की उस कमेटी में मौजूदगी अनिवार्य मानी जाती है, जैसे सूचना आयोग के गठन की बात हो या फिर लोकायुक्त की बात हो, इन सब जगहों पर अगर नियुक्ति करनी है तो नेता प्रतिपक्ष अगर उपलब्ध हो जाएंगे तो फिर ये काम भी हो जाएगा, और जो अभी तक नहीं हो पाया गठन वो पूरा हो जाएगा। लेकिन ये संशय की स्थिति है कि दोनों पद बाबूलाल रखेंगे या नहीं रखेंगे, ये तो केंद्र तय करेगा। लेकिन अब सरकार को सहूलियत देने का विचार बीजेपी में बनता है या नहीं बनता है, या फिर जिस प्रकार से आरोप लगते रहे हैं सत्ता पक्ष पर कि बाबूलाल मरांडी जो बीजेपी में जिनकी पार्टी का विलय हो चुका था और निर्वाचन आयोग ने उन्हें बीजेपी के विधायक के तौर पर मान्यता दी थी, राज्यसभा चुनाव में भी वो वोटिंग बीजेपी के विधायक के रूप में किया, लेकिन विधानसभा में अभी दल बदल का मामला चल रहा है और इस पर कोई फाइनल निर्णय नहीं आया है। तो ये अभी थोड़ा सा डोलड्रम की स्थिति बनी हुई है कि बीजेपी क्या करेगी। बहुत सोच रहा होगा कि पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को कि क्या करना है आगे, और सरकार को घेरे रखना है, क्योंकि एक तरह से आप देखें कि बीजेपी अगर अभी बाबूलाल मरांडी को अगर मान्यता नहीं दी गई है नेता प्रतिपक्ष की, तो बीजेपी इसे इशू बनाती रहती है कि कहीं ये राजनीतिक रूप से प्रभाव के वजह से ऐसा किया जा रहा है कि उन्हें मान्यता नहीं दी जा रही है। अब दल बदल का कानून न्यायाधिकरण में चल रहा है, उसका फैसला भी अभी लंबित है, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी क्या सोचती है सरकार को सहूलियत देने के लिए अपना अलग विधायक दल का नेता चुनती है या फिर बाबूलाल जी के पास ही यह पद रहता है, यह थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा राजदा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश तमाम जानकारियों के लिए। तो थोड़ा लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।